हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में आपको अंडा करी कैसे बनाते हैं वो तरीका बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से और आसान तरीके से आप ये अंडा करी बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अंडा करी बनाने का तरीका बताते हैं। चलते हैं अपने कढ़ाई के पास। कढ़ाई रख दी हमने गर्म होने के लिए। हमने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप इसकी जगह पे कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले अंडे को फ्राई करना है, तो अंडे को फ्राई करने से पहले हल्का सा इसमें कट्स लगा दें नाइफ से और तभी फ्राई करें। तो हमने यहाँ पे कट्स लगा के अंडे को डाल दिया है फ्राई करने के लिए। हल्का गोल्डन सा इसको फ्राई करना है। अंडे को हिलाते रहें तो देखिए हल्का हल्का ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ऐसे इसको चला देना है, चलाते हुए इसको फ्राई करना है। तो देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन अंडे को प्लेट में निकाल लेंगे। तो अंडा करी बनाने से पहले काट लें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, ये सब काट के पहले तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने फ्राई अंडे को निकाल लिया है, बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है। अब इसमें आलू फ्राई कर लेंगे। हमने अंडे के साथ आलू को भी बॉईल कर दिया था। अंडे के साथ आलू डाल के बनाए बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हल्का सा इसको फ्राई करने से और भी टेस्टी बन के तैयार होता है अंडा करी। तो यहाँ पर हमने आलू भी फ्राई कर लिया है, उसी में डाल दिया है आधा टेबल स्पून से कम मेथी। मेथी को चटकने देना है। मेथी का तड़का देने से अंडा बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है, कभी भी ज़रूर ट्राई करें। इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देना है और जैसा कि हमने बताया हरी मिर्च बारीक, लहसुन और 1 प्याज बारीक कट किया हुआ डाल देना है। अंडा बनाने से पहले हमने पहले भी बताया है कि इसको कट कर लें। ये डाल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है इसको। तो देखिए ऐसे चलाते रहना है, 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई होने में। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डाल देना है आधा टेबल स्पून से कम हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें कांदा मसाला डाल देना है। कांदा मसाला ये प्याज से बनाया जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताएँ। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून गर्म मसाला। यहाँ पर हमने कोई भी खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, बस पाउडर से ही बनाना बताया है। बहुत टेस्टी अंडा बन के तैयार होता है। तो देखिए 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला डाल दिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम तेज़ कर देना है। जब भी मसाला पाउडर आप डालें गैस का फ्लेम लो कर दें, जब पानी डाल के इसको भूनें तब गैस का फ्लेम तेज़ कर लें। तो देखिए मसाले भून रहे हैं। 1 बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देना है और इनको चला के मिक्स कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून नमक। नमक इसमें आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इनको चला के अब मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पे भूनना है इनको। आप ढक्कन से कवर करके भी भून सकते हैं या खुले में भी भून सकते हैं। तो देखिए मसाले भून रहे हैं, टमाटर भी हल्के हल्के सॉफ्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा और इनको 1-2 मिनट तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं 1-2 मिनट हो चुके हैं, मसाले भून के तैयार हो गए हैं, इसमें से तेल भी निकलना चालू हो गया है। अब इसमें डाल देना है 1.5 गिलास पानी। आप इसकी ग्रेवी अपने फैमिली के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे उबाल आना चालू हो गया है। जब उबाल आने लगे तो इसमें 1-2 टुकड़ा आलू का मैश करके डाल देना है ताकि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो। तो यहाँ पे देखिए 1-2 टुकड़ा हमने मैश करके डाल दिया है आलू का। अब जो आलू बचे थे उनको वैसे ही डाल देना है फ्राई किए हुए। अब जो अंडा हमने फ्राई किया था उसमें कट्स लगा के डाल देना है। कट्स लगाने से ग्रेवी इसके अंदर चली जाती है। आप जब भी अंडे की ग्रेवी बनाएं अंडे में कट्स लगा के डालें। ग्रेवी जाने से अंडे का टेस्ट और भी अच्छा लगता है, एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो देखिए सारे अंडों को हमने डाल दिया है, इसको चला के मिक्स कर देना है। आपने अंडे की सब्जी बहुत बनाई होगी लेकिन एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाएं। तो देखिए यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई कर देना है और इसको ढक्कन से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो ये अंडा करी हमारे फैमिली के लिए बेस्ट बन के तैयार हो चुकी है। आप इसकी ग्रेवी अपने फैमिली के अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
अब इसमें डाल देना धनिया की पत्ती। अगर आपके पास धनिया की पत्ती नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इनको चला के मिक्स कर देना है। तो ये अंडा करी बहुत इजी रेसिपी है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आइए हम इसको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा अंडा करी बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये अंडा करी रेसिपी एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और नीलम रसोई को कमेंट करके बताएं कि अंडा करी कैसी बनी है। अगर ये अंडा करी की वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम एक भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।